मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच सरकारी अस्पतालों में लापरवाही के मामले निरंतर जारी हैं। ताजा मामला शिवपुरी जिले का है, जहां न सिर्फ एक गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती करने के लिए पैसे मांगे गए, बल्कि पीड़ित परिवार ने नर्स पर मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। शिवपुरी जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनारा से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहाँ गर्भवती महिला के साथ नर्स द्वारा मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि महिला गर्भवती थी और महिला की डिलीवरी के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनारा में भर्ती कराया गया था। पहले महिला को 1.5 घंटे तक किसी ने नहीं देखा, इसके बाद 3,000 रुपये रिश्वत देने की बात की गई, तब जाकर महिला का इलाज शुरू हो पाया। इस दौरान दर्द से जब महिला चिल्लाई तो मौके पर मौजूद नर्स द्वारा जमकर मारपीट की गई। दर्द से कराहती हुई महिला ने आखिर दम तोड़ दिया। बाद में अपनी गलती पर पर्दा डालते हुए अस्पताल प्रबंधन ने उसे दतिया रेफर कर दिया। सच बात है सुजाता, क्या से क्या क्या हुआ? उनने मारपीट भी करी, जो बात तो नहीं आगे की भी है। अच्छा, मारपीट करी है? हाँ। किसने की है मारपीट? जिसे स्टार आती हाँ। जयंती यादव ने और देती भी मैत्रानी आती दाई वगैरह हाँ। मैत्रानी हाँ। और मतलब डॉक्टर से आपने बात नहीं की कि ऐसा क्यों? मगवा था उनसे तो कुछ बड़े अस्पताल में पति गए ले जा। अच्छा, पैसा भी मांगे थे उनने? तो अब क्या चाहती हो तुम? अब क्या चाहती है? जी शिकायत की FIR करना चाह रहा है कि आज हमारे बच्चे की घटना भाई घरवाली खत्म हो गई, बच्चा खत्म हो गया। वही महिला के पति अच्छेलाल केवट का आरोप है कि बच्चे की मौत के बाद बच्चे को दफनाने गया, इसके बाद लौटकर आया तो देखा कि पत्नी की भी मौत हो चुकी थी। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने जबरदस्ती एम्बुलेंस बिना परमिशन के बॉडी दतिया भेज दी। क्या है पूरी घटना? घटना ये, पहले बच्चा हुआ हाँ। बच्चा होने के पहले इन लोगों ने मारपीट की हाँ। और सूचना आई, मैं तो अंदर देख नहीं रहा था, कि पलंग हाँ। पे से गिरी भी पड़ी, इन लोगों ने बहुत ज्यादा मारपीट की, बेहाल हो गई हाँ। बेहाल होने के बाद बच्चा हुआ हाँ। बच्चा 10 मिनट के बाद खत्म हो गया। इनने मेरे को धमकी दी, इस बच्चे को ले जाओ कहीं भी ले जाओ, कुछ भी करो, जल्दी यहाँ से ले जाओ। जब तक बच्चे को दफना के आया, डेड बॉडी हो चुकी थी। इनने मरी हुई बॉडी की रेफर करके दतिया भेज दिया। मैं तो था नहीं, साली थी, ये भी बेहाल हो गई। साली का नाम क्या है? नीलम केवल। और इन लोगों ने मुझे भी धमकी दी, आप यहाँ से कुछ भी करो ले जाओ जल्दी, वरना आपको बदतमीजी से। किसने किसने धमकी दी? जयंती यादव ने। जयंती यादव ने? आपने डॉक्टर साहब से शिकायत नहीं की इसकी? डॉक्टर साहब मेरे को मिले नहीं, उस टाइम बेहोशी का सवाल आ चुका था मुझे, मैं गिर गया गाड़ी में बॉडी रखते हुए। तो ऐसा फिर आपने थाने में FIR क्यों नहीं कराई इन लोगों के खिलाफ, कि मतलब तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना घट गई है, इसके बाद भी आपने थाने में आवेदन नहीं किया, इसका क्या कारण? थाने में इसलिए नहीं पहुँच पाया कि घबराहटपन ज़्यादा आ गया था, उधर से बाइक चलाते हुए आ रहा था, इधर से बाइक से गया, एम्बुलेंस तो पहले निकाल दी 1 घंटे पहले, फिर मैंने वहाँ प्राइवेट एम्बुलेंस की, 1500 रुपये में एम्बुलेंस आई दबरा मेरे यहाँ पर रहता हूँ, वहाँ से मैंने अपनी। आप कौन से गांव के हो वैसे? ग्राम बदनपुर जिला झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ कितने समय से रह रहे हो? सन 2008 से रह रहे हैं। यहाँ क्या करते थे? यहाँ सब्जी का काम करते हैं, दुकान। सब्जी दुकान काम करते हैं? तो मतलब आपने मतलब किस तारीख में भर्ती कराया था दिनारा हॉस्पिटल में? इनको सुबह किया था, कल वो 28 तारीख में किया था, कल 28 थी। 28 तारीख में कितने बजे खत्म हुई है? ये खत्म हो गई थी लगभग 9:15 बजे। 9:15 बजे? अच्छा, 9 बजे। जयंती जयंती और क्या नाम उनका? जयंती यादव और दो प्राइमेट आती हैं दाई वगैरह हाँ। वो भी थी, उन लोगों ने तो कहा कि मारपीट मत करो, कहने लगी ये चिल्ला रहे इसलिए इसको मारपीट कर, जरूरी है मारपीट करना। अच्छा अच्छा, तो बच्चे को दफना दिया और माँ को जला दिया। मैं चला गया जब तक इन्होंने मेरी बॉडी का रेफर कर दिया। अच्छा अच्छा, मरी हुई बॉडी भेज दी। एम्बुलेंस वाले ने बताया भैया ये तो मरी हुई बॉडी है, इसको क्या भेजा? मैंने कहा भैया मुझे आप, पता ही। आप उनके पति हो? हाँ। क्या नाम लिखते हो आप? अच्छेलाल केवट। अच्छेलाल केवट। पिता का नाम? आनंदीलाल केवट। और पत्नी के पिता का नाम? गंगाराम केवट। पत्नी कहाँ की रहती है, कहाँ की है रहने वाली? वो अमोला से हुई थी शादी, हम तो बदनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा। हालांकि इस मामले पर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अर्जुन लाल शर्मा अब कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। मेरे को कल संज्ञान में आई थी ये बात, मैंने पता लगाया था, तो पता लगा था कि उसमें जो बच्चा था वो पेट में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, और वो अनडेवलप्ड था, उसकी एक आँख नहीं थी, ऊपर ब्रेन का कुछ हिस्सा नहीं था, अनडेवलप्ड था, मतलब स्टिल बर्थ था वो बच्चा। उसके लिए मैंने कल ही जो है 100 कुछ नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी यदि ऐसी कोई बात आई है तो मैंने कल ही जो है 100 कुछ नोटिस जारी किया है,
बीएमओ को उसकी पूरी इंक्वायरी करने के लिए वो जारी किया है। तीसरा मैंने ये भी किया है कि यदि कोई महिला के पेट में अनडेवलप्ड बच्चा 9 महीने तक बना रहा, उसकी ग्रोथ कब रुक गई, जबकि हम एएनसी क्लिनिक चलाते हैं, और यदि वो हमारे ही क्षेत्र का उसका ग्राम का निवास है, तो संबंधित एएनएम ने उसकी समय पर एएनसी की देखभाल क्यों नहीं की, ये भी मैं पता लगा करके उस एएनएम के खिलाफ कार्रवाई करने वाला हूँ। और यदि दोष इसमें जो है अपनी एएनएम जो दिनारा में पदस्थ थी उसका होगा, तो उसको भी दंडित किया जाए। फिलहाल देखना होगा कि इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस मामले में प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करता है या फिर उन्हें मरीजों की जान से खिलवाड़ करने के लिए यूं ही छोड़ दिया जाता है। शिवपुरी से जयवर्धन सिंह की रिपोर्ट।